हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली मैं न्यू ब्लॉग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्यारी सी ब्लॉग वीडियो को ज़्यादा से लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अपने छोटे भाई को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा लास्ट तक इस ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं, 6 भी नहीं बजे, अभी बजने वाले हैं, 10-5 मिनट बाकी है। और इधर देख रहे हैं मम्मी हमारी भैंसिया को लेना खिला रही हैं, और अभी बहुत सारा हम लोग को काम करना है, जैसे कि धान की बिया उखाड़ना है, धान की रोपाई चालू हो गई है। तो हम लोग का तो बिया हुआ नहीं पानी की वजह से, तो कहीं से मांगे हैं, वहाँ पर जाके लाना है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं बुतुल अपने रूम से बाहर आया है, द्वार पे मतलब घर से बाहर, खटिया छोटी सी है देखिए उसी पे सोया है। सोया बाबू, हाय कर दो, हाय कर दो, तो हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, कैसे दे दो पप्पी, पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, कैसे दे दो, दे दे दो जल्दी 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 दे दो जल्दी बगा। अभी सो के जगह है शायद, इसलिए नर्वस है, अभी होपलेस है। तो गाइज हम आ चुके हैं धान की बिया उखाड़ने सहेड़ी गांव में, अपने घर से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सरसैया बाबा हैं, जहाँ पे हम आते हैं मंदिर है, और उस मंदिर को आप लोग देखे हैं। तो चलिए पहले बाबा का दर्शन करते हैं और आप लोग को भी करा देते हैं दर्शन, फिर उसके बाद अपना काम करेंगे। जैसा कि ये है मंदिर का गेट, और वहाँ है महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ। ये है सरसैया बाबा, और यहाँ पे बाबा है, मंदिर धो रहे हैं, अंदर का दर्शन हो गया होगा। तो महादेव जी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा इस सावन के पावन महीने में। देखिए इस सहेड़ी गांव में रहने वाली हमारी भाभी है, सुबह लग रहा है 4:30 बजे से यहाँ पे धान उखाड़ने लग बिया उखाड़ रही हैं, बहुत ही परिश्रम कर रही हैं। और उधर इनके हस्बैंड जी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो बांध रहे हैं, मतलब देखिए वहाँ पे बांध के बिया को रखा गया है। और उधर मेरे भैया हैं और पापा हैं, हम लोग आए हैं इन लोग के गांव में बिया उखाड़ने के लिए। हमारी बिया सब नष्ट हो गई है, हो ही नहीं पा रहा था पानी की वजह से। तो भाई देख सकते हैं आप लोग, इतना पानी में हम लोग बिया कबार रहे हैं, और सुबह से अभी 9 बजने वाला है, सुबह ही से काम कर रहे हैं, तो अब हो ही चला है। और तो चलिए इसको दिखाते हैं कैसे फिटते हैं। देखिए इतना सारा है, और इसके लिए डंडा ऐसे पानी में चुभुक चुभुक किए, हाँ ऐसे ऐसे, देख सकते हैं इसका सारा मिट्टी निकल गया है, देख सकते हैं एकदम फ्रेश दिया हो गई है। और इसको इस तरह से बांधा जाता है, एक बंडल पीस हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब हम लोग दिया उखाड़ लिए, और अभी बहुत सारा रखा गया है बाहर निकाल के पानी से, तो अब चलते हैं घर लेकर, खेत में जाएंगे धान रोपाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम बिया लेके घर पे आ चुके हैं, और ये देखिए मेरे स्कूटी का मोटर जार टूटा हुआ है, खड़खड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था रास्ते में आ रहा था। तो फिलहाल पैसा है नहीं कि चेंज करवा सकूं, तो इसे होल बना के और इस तार से बांधूंगा अभी। तो चलिए अपना काम करते हैं यार, क्या करेंगे, गरीबी भी कुछ कहलाती है यार। तो फाइनली दोनों छेद हो गया है, अब देखिए इसे ऐंठ के बढ़िया से बांध देंगे ताकि कुछ दिन तक चले। तार डाल चुके हैं अंदर तक, अब इसको बांध दे। हाँ बना गया यार, क्या करे, अब थोड़ा नहीं आवाज करेगा, हल्का हल्का कर ही रहा है क्योंकि इधर से भी टूटा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी टूटा है। गाइज जैसे कि मैं इस स्कूटी से चलता हूँ, आप लोगों ने देखा है हर ब्लॉग वीडियो में शायद देखने को मिली होगी थोड़ा बहुत,
तो जानते हैं मैं कैसे खरीदा हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो से खरीदा हूँ पैसा कमा के। पहले चलता था ना लाइकी, वीगो, वीमेट, जीली और स्नैक वीडियो, तो ये सारा तो बंद हो गया, पर जीली अभी तक चलता चल ही रहा है कंटिन्यू इंडिया में। तो एक बार मैं पूरी तरह इस स्कूटी को आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। इन सब एपों से कमा के पैसा तो खरीदे थे हम, देख सकते हैं आप लोग। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी स्कूटी। बहुत मेहनत किए थे, 3-4 साल वीडियो बनाए थे तब जाके स्कूटी खरीदे थे, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके। अब तो फिलहाल उतना पहले जैसा कमाई नहीं हो रहा है, बट शुरुआत हो रही है। और इस ब्लॉग चैनल को यार सपोर्ट करिए अपने भाई के, ताकि यूट्यूब से भी कुछ कर सकें अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने लिए। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो आई एम श्योर कि मेरी ब्लॉग वीडियो ये आगे बढ़ेगी। तो आगे तक बढ़ाइएगा अपने इस छोटे भाई के ब्लॉग वीडियो को। और बहुत पसीना पसीना हो रहा है, धूप में देख रहे हैं आप लोग, और इधर देख रहे हैं मम्मी हमारी अपनी सखी सहेलियों का धान रोपवा के आ रही है ना जी। धान रोपने गई थी आप? हाँ, धान रोप कर आके और भैंस का जो गोबर होता है जहाँ पे खड़ा थी, तो सब तो वहाँ पे मतलब वहाँ से साफ कर रही है ताकि साफ सुथरा रहेगा वहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं दोस्तों। फाइनली अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहा है। तो अभी जाके नहाए हैं हम, और नहा के अपना ड्रेसअप चेंज किए हैं, कपड़ा पहने हैं। और ये देखिए भूसुल भी मेरे साथ नहाया है, शिवांशु है इसका नाम। तो मम्मी इसे कपड़ा पहना रहे हैं। कपड़ा पहना हो, कहाँ जाना है बाबू, कहाँ जाना है? वीडियो बनावे? वीडियो बनाने जाना है हाँ, कि बर्थडे में? बर्थडे में कहाँ जाना है? गाजीपुर। तुम भी जाओगे कि हम जाएंगे? तुम जी बा मम्मी, मम्मी ना जी, हम ही लोग जाएंगे। अच्छा चलिए, हम ही लोग जाएंगे बर्थडे में, कह रहा है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरे मम्मी पापा हैं, पशुओं के लिए चारा बांध रहे हैं। ये चरी बोला जाता है, चरी। मम्मी धरा रही हैं और पापा उधर मशीन चला रहे हैं, और अब हम भी जा रहे हैं मतलब पापा के साथ हेल्प करने इन लोगों की। अभी तक तो खाना खाए नहीं है, जान उन है नहीं पेट में, बट चल के करा देते हैं। इतना यहाँ पे देख रही है रखा, यहाँ पे फैन लगाया गया है क्योंकि मड़ई में है अंदर मशीन, तो गर्मी होता है ना। तो अभी इसको हम क्लोज किए हैं, मतलब बंद किए हैं, अभी चालू कर देंगे। उतना सारा चरी वहाँ पे है, और ये है सब हमारी भैंसिया सब खाएंगी। ये डे पर डे का काम है हम लोग का, डेली का। दोस्तों देख सकते हैं गांव के लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है। और छोटी सी मड़ई है, इसमें परेशानी भी हो रहा है चारा बांधने में हम लोगों को। और अभी मम्मी यहाँ पे बना नहीं रही है क्योंकि मोबाइल वही को पकड़ाए हैं, वही वीडियो शूट कर रही हैं। तो समझ सकते हैं कि गांव में लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो यार प्लीज गांव वालों को सपोर्ट करिएगा। फाइनली देख सकते हैं आप लोग, सारा चारा खत्म मतलब बला चुका है। हाथ से ही बालते हैं हम लोग, मोटर मशीन नहीं है हम लोग के पास, हाथ से मेहनत करके बालते हैं। और देखिए एकदम पूरा पानी पानी हो गए हैं। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करिए अपने भाई को प्लीज़। देख सकते हैं आप सभी लोग, अब जो बिया उखाड़े हैं उसके लिए खेत तैयार किया जा रहा है यहाँ पे हमारा। जैसे उधर पड़ोसी लोग के खेत में पानी जा रहा था, अब हमारे खेत में जा रहा है। ये 2.5 मंडा है, 2.5 मंडा यानी 5 बिस्सा। तो अब पानी स्टार्ट हो गया, फिर टक्कर आएगा, फिर खेत बनेगा, फिर रोपनी की जाएगी। तब तक मजे लेते रहिए इस देसी ब्लॉग वीडियो का यार। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं फाइनली पूरा पानी एकदम भरा गया था खेत में, और अब ट्रैक्टर से जुटा रहा है। तो देखिए ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं और कुछ कह भी रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मारने के लिए कह रहे हैं मुझे। देखिए ऐसे ही किसानी की जाती है, किसान लोग तो जान जाएंगे कैसे किसानी की जाती है, कितना मेहनत लगता है खेती बाड़ी करने में यार। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है किसान को, जैसे हम किसान हैं और अदर जितने भी हमारे इंडिया में किसान भाई हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हालांकि अब रेडी हो ही गया है, बट
शायद आज इसमें धान नहीं रोपा जाएगा क्योंकि धीरे धीरे शाम हो चुकी है और काम करते करते मम्मी लोग थक भी गए हैं, तो कल सुबह रोपा जाएगा शायद। और अभी पानी आ ही रहा है खेत में पाइप से, यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर धस रहा है, धसने वाला है, नहीं धसा, निकल गया। तो गाइस फाइनली हम लोग खेत जुतवा के पानी भर के घर पे आ चुके हैं और मम्मी यहाँ पे बैठी है। और देखिए हिमांशु अभी आ रहा है स्कूल से, यहाँ पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं धनवा रोपाई की ना, सवेरे थक गए लोग, हाँ ज्यादा बहुत खटनी हो गया आज ना, सुबह से हम लोग देखे वीडियो में कितना काम किए हम लोग, तो थक गए मम्मी लोग। अब शाम को 4 बज रहा है राइट, तो थक गए लोग, तो सुबह धान रोपा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में धान की रोपाई आप सभी को जरूर दिखाएंगे कि कितना मेहनत किया जाता है। तब तक के लिए इस ब्लॉग वीडियो को एंड करते हैं, और ये प्यारी सी ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो अपने छोटे भाई को अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। लेकर आते हैं एक प्यारी सी मजेदार ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।